हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं गुड वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी तो अक्सर बनती ही है घरों में, और हर तरह की कढ़ियाँ बनती हैं, आलू की, पकौड़ी की, सबकी बनाई जाती हैं। लेकिन आज जो मैं कढ़ी बना रही हूँ एकदम हटके है। आप मेरे साथ वीडियो में रहेंगे तो मैं आपको हटके कढ़ी सिखाऊंगी। तो गाइस, ये मेरे पास है ना 500 ग्राम वजन का पालक है। इसकी हमने ना सारी डंडियां तोड़ ली हैं और इसको अच्छे से 4-5 बार पानी में धो लिया है, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह मिट्टियां आती है ना वो साफ हो जाती है, क्योंकि किसकिसा हो जाता है। और ये एकदम फ्रेश पालक है। गाइस, हमें ना इस पालक को कच्चा ही मिक्सर में डाल के इसको अच्छा सा महीन पीस लेना है। तो पहले हम पालक को पीसेंगे। हमने ना पालक को अच्छे तरह पीस लिया है, एकदम महीन पालक है, आप देख रहे हैं। हल्का सा ना पानी डाल के पीसा है, क्योंकि है ना ये हम मिक्सर में डालते हैं ना पालक को तो ढंग से पीसता नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल दे तो अच्छा सा पीस जाता है। ये मेरे पास है ना छाछ है, एकदम फ्रेश, बिल्कुल खट्टा नहीं है, हल्का सा मामूली सा खट्टा, क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी खट्टी होती है तभी अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास है ना 2 ग्लास छाछ है। तो गैस, ये कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो इसमें मैंने पहले से ऑयल डाल रखा है। तो गैस, अब ये गर्म हो रहा है, देखती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया जीरा, तो ये हम डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप जैसा खाना चाहें उसी हिसाब से डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही डालना है गाइस। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको ना हम अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस, इसमें छाछ में हमने ना सारे मसाले डाल दिए, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको एकदम कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि हमारा ना छाछ फटने का डर रहता है गाइस। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो बेसन को है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे हम, कम से कम 4-5 चम्मच बेसन। घोलते जाएं, उनकी गांठें नहीं पड़े गाइस। अगर आप इस तरह नहीं डाल सकते ना, तो आप है ना छाछ के अंदर है ना बेसन को पहले घोल के डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनती है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालते हैं ना तो बेसन फूलता है, तो कढ़ी है ना हमारी बहुत गाढ़ी हो जाती है, एकदम थिक हो जाती है, तो खाने में भी स्वाद नहीं आता है। तो गाइस, ये बेसन है, इसमें से मैंने ना सिर्फ 5 चम्मच खाने वाली जो चम्मच होती है ना, बस उसी के बराबर मैंने ना बेसन लिया था, ज़्यादा नहीं लिया। बाकी की बेसन हम साइड में उठा के रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो इसी कटोरे में ले लेते हैं, तो सारे मसाला जो दही रह जाता है ना इसके अंदर वो आ जाएगा। अब गैस, अब हमने ना जो पालक को पीस के रखा था ना, अब उसको डालेंगे इसी के अंदर। पालक को इसी में डाल देंगे, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनेगी गैस। तो गैस, हमने इसमें ना सिर्फ नमक को रोक के रखा है, बाकी की सारे मसाले डाल दिए। नमक हम इसीलिए नहीं डालते हैं, क्योंकि हम नमक डाल देंगे ना तो कढ़ी का उफान भी बहुत ऊपर को आता है, और कढ़ी के फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो नमक को हमें कब डालना है, जब इसमें हल्का सा उबाल आने लगे ना, तब हमें नमक का यूज़ करके। ये मेरे पास है ना 5-6 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने ना लंबा लंबा काट लिया है, बीच में चीरा लगा के मैं ऐसे ही इसी में डाल दूंगी। ये मिर्चें ना हमको ना ऑयल में तड़कानी नहीं है, ऐसे अच्छी लगती है कढ़ी में। गाइस, आपको बिल्कुल रोकना नहीं है, कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है जब तक इसमें है ना खोल नहीं आ जाए, बिल्कुल चमचे को हटाना नहीं है, ऐसे ही चलाते रहो। तो गाइस, इसमें बहुत अच्छा खोल आ रहा है, ऐसे ही हमको खदकानी कढ़ी को। अब गाइस, इसमें हम डालेंगे, अब नमक डालने की पोजीशन में आ गई है, तो इसमें ना हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आप कैसा खाते हैं, नमक की है ना वेराइटियाँ भी अलग अलग होती हैं, तो आप उसी से हिसाब से ही नमक को रखें। कोई नमक तेज भी आता है, कुछ लो भी आता है, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालें। गैस के फ्लेम को हम कर देंगे कम, इसको है ना कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से खदकाएंगे। कहते हैं जितनी कढ़ी को खोलाओ, जितनी कढ़ी कड़ेगी उतनी ही स्वाद इसका निकलेगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे से कम 10-15 मिनट तक इसको ना अच्छे से खोला दूंगी, और वो भी कम फ्लेम। मैं आपको कढ़ी की पकने की पहचान बताती हूँ। जब हमने जो कढ़ी को कम फ्लेम पे ना इसको अच्छी तरह खोलाया ना, तो ये देख रहे हैं आप इसके अंदर जो तरी दिख रही है ना, जो हमने इसमें ऑयल डाला था ना, वो अच्छी तरह पक पक के कढ़ी का ऊपर को बाहर आ गया है गाइस। और ये बहुत शानदार पहचान है इसकी, और बस यही पहचान होती है। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, मैं इसको बना रही हूँ बूंदी से। तो ये मेरे पास है ना बूंदी है, तो इसमें हम बूंदी डालेंगे।
तो ये कढ़ी है ना बूंदी से ही बनाई जाती है, जो पालक वाली कढ़ी है ना इसमें आप बूंदी ही ऐड करें। तो बूंदी को बहुत बाद में डालते हैं क्योंकि बूंदी बहुत जल्दी फूलती है और घुल जाने का डर रहता है, जब हमें उतारने के लिए होते हैं ना तभी बूंदी को इसमें ऐड करना चाहिए। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए इसके साथ और अच्छा सा खदका लेंगे, अच्छे से ये खदक जाएगी इसमें। तो गैस अब इसमें ना हम छौंक डालेंगे, तो उसके तड़के का सामान देख लीजिए। ये मेरे पास जीरा है, ये मस्टर्ड सीड है, ये राई बोलते हैं बड़ी वाली सरसों ये वही है, ये करी पत्ता फ्रेश वाला, ये अजवाइन है, मेथी दाना है और ये सूखी हुई लाल मिर्ची, इसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है। इसको है ना मैं सरसों की ऑयल में ही इसका तड़का लगाएंगे। आप जैसा कुकिंग ऑयल खाना चाहते हो आप उसी में ही तड़का लगाएं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है। तो गैस अब हम इसका तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो हमारा ऑयल हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा, अब गैस इसमें डालेंगे अजवाइन, छौंक की तैयारी चल रही है। इसमें डालेंगे सरसों, राई जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल है इसलिए झाग देता है। अब इसमें डालेंगे मेथी दाना, सूखी मिर्ची लाल वाली, अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो गाइस इसमें ना सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई हैं, अब इसको है ना हम अलग रख लेते हैं। तो गाइस ये बूंदी इसमें अच्छे से फूल गई है, अब मैं इसको तड़के को इसी में डाल देंगे हम। अब गैस को करेंगे हम बंद, कड़ी हमारी फाइनली बन चुकी है। अब गैस इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी भरी चीज में हरी भरी धनिया, अब इसमें हम डालूंगी हींग। तो गैस ये गरम मसाला है, इसी में मैंने हल्का सा हींग का पाउडर डाल दिया है, हींग और गरम मसाला मैंने साथ में डाल रही हूँ। गरम मसाले से क्या है और अच्छी सी तीखी तीखी कड़ी बनेगी गैस। आप इसको है ना बाजरे की रोटी से, मक्के की रोटी से, मिसी रोटी से आप इस कड़ी को खाएंगे तो आप बोलोगे कि हाँ यार आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी ये वाली कड़ी। तो गाइस इस कड़ी को आप जरूर बनाना, और ये बहुत आपकी जो नॉर्मल कड़ियाँ जो बनाते हो आप वो भी फेल हो जाएगी इसके आगे। और मेरी कड़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसको सर्व करते हैं खाने के लिए। तो गाइस मेरी आपको ये हरी भरी कड़ी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। तो मैं ऐसे ही अटपटी चटपटी कड़ी लेके आऊँगी, घंटी तो प्रेस करना तभी तो मैं आऊँगी। टेक केयर, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।